प्राचीन समय की बात है, एक विचित्र सा पक्षी हुआ करता था जिसका नाम था भारुड़। भारुड़ का धड़ तो एक था लेकिन सिर उसके दो थे। अब दो सिर होने की वजह से उसके दिमाग भी दो थे, जिनमें कोई संतुलन नहीं था। दोनों बिल्कुल अलग अलग सोचते थे। अगर एक सिर पूरब जाने की सोचता तो दूसरा सिर पश्चिम जाने की सोचता, और होता ये कि अगर भारुड़ एक पैर पूरब की तरफ बढ़ाता तो दूसरा पैर उसका पश्चिम की तरफ बढ़ जाता। भारुड़ दोनों दिमागों के बीच में जैसे रस्सा कसी जैसा खेल बन करके रह गया। एक दिन की बात है, भारुड़ भोजन की तलाश में नदी के किनारे टहलता हुआ चला जा रहा था, तभी उसके पहले सिर ने एक फल देखा। जल्दी से उसने फल में चोंच मारी और चोंच मारते उसने कहा, आहा कितना स्वादिष्ट फल है, इसको तो चखकर आनंद ही आ गया। ऐसा स्वादिष्ट फल आज तक मैंने नहीं चखा। ये सुनकर दूसरे सिर ने कहा कि अच्छा रुकना, जरा मुझे भी तो इसका स्वाद लेने देना। दूसरा सिर चोंच मारने ही वाला था कि पहले ने झटक कर उसको अलग कर दिया और कहा, सुन इस फल को मैंने देखा है, मैंने पाया है, इसलिए इसको मैं ही खाऊंगा। दूसरे सिर ने दलील दी कि अरे भाई, अपना शरीर तो एक ही है, पेट एक ही है, मैं भी खाऊंगा तो उसी पेट में जाएगा और हमको ही ताकत मिलनी है। पहले ने झटक कर बोला, हाँ हाँ ठीक है, मैं खाऊंगा तो भी तो पेट में ही जाएगा, ताकत मिलेगी शरीर को, तुम भी जिंदा रहोगे। पहले ने कहा कि अरे पेट भरना ही सब कुछ थोड़ी है, जीभ को स्वाद मिले तो संतुष्टि आए। पहले ने कहा, जीभ की संतुष्टि के चक्कर में मत पड़ो, पेट भर जाएगा तो जो डकार आएगी ना, उस डकार से ही अपना मन भर लेना। और पहले सर ने दूसरे सर को उस फल को चखने नहीं दिया। दूसरा सर इससे बहुत लज्जित महसूस कर रहा था। उसने बदला लेने की ठानी कि मैं पहले सर से बदला लेकर के ही रहूंगा। दूसरे दिन की बात है, भारुड़ फिर भोजन की तलाश में चला जा रहा था, तभी दूसरे सिर को एक फल दिखाई पड़ा और उसने कहा कि अरे वाह इतना अच्छा फल, इसको तो मैं ही खाऊंगा। दूसरा सर चोंच मारने ही जा रहा था कि पहले सर ने उसको रोका, अरे नहीं 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 नहीं, ये फल विषैला है, मैं जानता हूँ ये फल विषैला है, इसको नहीं खाना, इसको खाने से हमारी जान खतरे में पड़ सकती है और हम दो के दोनों ही मर सकते हैं। दूसरे सिर को तो बदला लेने की पड़ी हुई थी, वो अभी भी उस अपमान को भूल नहीं पाया था जब पहले सिर ने उसको फल देने से मना कर दिया था। दूसरे सिर ने कहा कि सुन, मुझे मना करने की ज़रूरत नहीं है, इस फल को मैंने देखा है और मैं तो खाऊंगा ही खाऊंगा। और दूसरे सिर ने पहले सिर की बात को अनसुना करते हुए उस फल को खा लिया। वो फल वाकई विषैला था। थोड़ी देर बाद भारुड़ तड़प तड़प करके मर गया। ये कहानी हमें बताती है कि आपसी फूट चाहे जिसमें हो, दोस्तों में हो, परिवार में हो, रिश्तेदारों में हो, किसी में भी हो, हमेशा ही हानिकारक होती है।